सुना है कि लोग खफा हैं हमसे। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अरे यार, अगर बात नहीं करूंगा तुमसे आनी है तो फिर सांस कैसे लूंगा। आई मीन, इस पूरी दुनिया में एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी। ओह, ये सारी ओवर एक्टिंग करने से पहले ना, जो रात को तुमने मुझसे चीप किस्म की बातें की ना, वो याद कर। अच्छा सुनो, इन बातों को छोड़ो यार। वो कजिन जो तुम्हारी, बड़ी फिट है यार, क्या सीन है उसका? मतलब ठीक पसंद करके गए पता? क्योंकि उसने अभी तक किसी को पसंद नहीं किया, तो चांस बनता है। अगर तुम बोलो तो तुम्हारी सेटिंग करा दूं। I mean, to be honest with you, I don't mind, लेकिन यार तुम्हारे भाई का सीन ऑफ हो जाएगा, पहले उससे पूछ। इस बात का क्या मतलब हुआ? बात का मतलब ये है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि अम्मी क्यों आई है नाज खाला से मिलने के लिए। हाय मुंतहा, अंदर आ जाओ। माँ से मुलाकात हुई, इफी खाला का छोटा बेटा। हाँ, मेरी अभी लिविंग रूम में हुई थी मुलाकात। आनिया, वो नानो की इंसुलिन मंगवानी है, किससे मंगवाऊं? ये इमाद किस मर्ज की दुआ है? इमाद, दादू की इंसुलिन लानी है। ले आएगा इमाद? दादू की इंसुलिन लानी है, देर हो रही है, जाओ जल्दी। ये किसका सूट है? बहुत प्यारा है। कौन सा ब्रांड है ये? तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत प्यारा है। पता है, कभी इतनी महंगी चीजें नसीब नहीं हुई। तुम्हारे दादू बहुत कमजोर हैं। मुद्दा, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इस तरह अचानक आ जाओगे, वरना मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ लेके रखती। मगर एक मिनट, खड़े हो सकती हो क्या? मेरी तरफ से ये गिफ्ट रख लो, मैंने एक दफा भी नहीं पहना। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, ये तुम्हारा है, मैं नहीं रख सकती। मुद्दा, मैं बहुत प्यार से दे रही हूँ, मुझे मना नहीं करना, और मैं पहनूं या तुम, एक ही बार। तुम्हें पता है तुम अपनी अम्मी से बहुत डिफरेंट हो। एक्चुअली मुझे पता है मम्मा तबीयत की थोड़ी सी सख्त है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। और तुम जानती हो वो इख्तलाफात तुम्हारी। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं नानो को दिखाती हूँ, बहुत खुश होंगी वो। मुझे भी पहन के दिखाना, आई एम वेटिंग। ठीक है, थैंक यू।